मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन, और यहां तक कि मैक्स वेबर यह मानते हैं कि जो समाज शास्त्र है उसकी विषय वस्तु क्या होगी, समाज शास्त्र की विषय वस्तु होगी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना। और ये सामाजिक क्रिया क्या होती है, अगर ये हम लोग समझ जाते हैं तो बहुत हद तक बात समझ में आ जाती है। तो सामाजिक क्रिया होती क्या है, देखो क्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, किसी को देख करके हंसना, बिजली चमके तो बच्चे का रोना, ये सब क्रिया हो रही है, आपका भूख लगे तो आपको खाना खाना, लेकिन ये सब सामाजिक क्रिया नहीं है। तो सामाजिक क्रिया है क्या, तो सामाजिक क्रिया यह होती है कि कोई भी ऐसी क्रिया जो एक व्यक्ति करे और इस व्यक्ति के करने पर ये समाज है वह भी प्रतिक्रिया दे। यानी एक तो यह जो कोई क्रिया कर रहा है इसका अर्थ ये समझे, उसके पीछे की जो मीनिंग है उसको ये लोग समझें, और साथ में उसके द्वारा उस पर प्रतिक्रिया भी दें, तभी वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कोई व्यक्ति अकेले बैठ करके पूजा कर रहा है तो क्या सामाजिक क्रिया हुई, नहीं हुई, क्योंकि अकेले से सामाजिक क्रिया नहीं होगी, अगर उस पर कोई प्रतिक्रिया होती तो वह सामाजिक क्रिया जरूर कहलाती। जैसे कि सामाजिक क्रिया तब मानी जाती है कि आप जा रहे हैं और बरसात हो जाए, बरसात होने पर आपने अपना छाता खोला और छाता खोल करके आपने सामने वाले को भी ऑफर किया, आइए हमारे छाता के नीचे रुकिए जिससे हम लोग बारिश से बच जाएं। अब आप रुके और उसको भी छाता दिया और टहल करके चले गए, फिर वह भी आपको धन्यवाद दे करके चला गया, तो वहां भी सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया तो तब है जब आप उस पर बैठे साथ में और कहा कि चलिए कॉफी भी पी लेते हैं, बरसात का मौसम है, और कॉफी पिए, आपने नंबर लिया और एक्सचेंज किया, फिर बात हो रही है, तब वहां पे सामाजिक क्रिया होगी, यानी आदान प्रदान और पारस्परिक जागरूकता आ जाएगी, तब वहां पे सामाजिक क्रिया हम लोग मानेंगे, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया जब हो जाए तब वही सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो मैक्स वेबर ने जो ये सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी, इसे थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाली पुस्तक जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी उसमें इसका वर्णन किया था, और यह प्रश्न परीक्षाओं में भी आता है कि मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा किस पुस्तक में ली गई है। अगला है कि व्यक्ति की वह सचेतन क्रिया जिसे व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित होता है सामाजिक क्रिया कहलाती। वही मैंने बताया कि अगर इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई ऐसा काम जिससे ये लोग प्रभावित होते हैं और इसके खिलाफ इसका प्रतिउत्तर देते हैं तो वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। ऐसी मानव गतिविधि जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति की जाती है तथा जिसके साथ कर्ता अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ भी निहित करता है वह सामाजिक क्रिया है। यानी यह दूसरे के लिए कर रहा है और इसमें इसने अर्थ भी दिया है। जैसे केवल आपकी आंख झपक रही है तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है, लेकिन आप अपनी आंख दूसरे सेंस में झपका रहे हैं और सामने वाला समझ रहा है मुझे गंदा इशारा कर रहा है और आकर के पीट देता है तो वह फिर सामाजिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, केवल आंख झपकाना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन गलत सेंस में आपने आंख समझाया और फिर सामने वाला भी समझ गया कि तुम्हारे हरकतें ठीक नहीं है तो वो सामाजिक क्रिया फिर होगी वहां पे। साथ में सामाजिक क्रिया क्या होती, गतिविधि प्लस अर्थ, कोई भी आप क्रिया करते हैं प्लस उसके साथ जब अर्थ जोड़ दिया जाता है तब सामाजिक क्रिया कहलाती है। और सामाजिक क्रिया ऐसा नहीं है केवल मैक्स वेबर सबसे पहले लेकर के आते हैं, सामाजिक क्रिया की बात समाजशास्त्र में अल्फ्रेड मार्शल भी करते हैं, लेकिन ये सामाजिक क्रिया को क्या मानते हैं, गतिविधि मानते हैं, एक्टिविटी। और एक्टिविटी में इन्होंने माना कि कोई भी क्रिया जो है वह सामाजिक क्रिया है और सभी का अध्ययन समाजशास्त्र में करना चाहिए, लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं नहीं, केवल सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन समाजशास्त्र में करना चाहिए। परेटो भी सामाजिक क्रिया के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, और परेटो कहते हैं क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली बताते हैं तार्किक क्रिया और दूसरी बताते हैं अतार्किक क्रिया। और परेटो यह मानते हैं कि जो अतार्किक क्रिया होती है समाजशास्त्र में इसी का अध्ययन किया जाना चाहिए, और परेटो यह मानते हैं समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाना चाहिए तो वह है अतार्किक क्रिया। और अतार्किक क्रिया क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो तार्किक क्रियाओं हैं तो 2+2 = 4 ये गणित की क्रिया हो सकती है या अर्थशास्त्र की क्रिया हो सकती है, तो जो भी तार्किक चीजें होंगी वह गणित और अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन समाजशास्त्र किस पर चलता है, अतार्किक चीजों से चलता है, तो समाज का अध्ययन अतार्किक क्रियाओं का करना चाहिए। और वो बताते हैं अतार्किक क्रियाओं में भी दो चीजें लेकर के आते हैं, उसमें एक का नाम वो बताते हैं विशिष्ट चालक द्वारा और दूसरा भ्रांत तर्कों द्वारा अतार्किक क्रिया पुष्ट होती है, और इसलिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए।
तो ये दोनों चीजें समाज में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से परेटो भी कहते हैं सामाजिक क्रिया की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। अगला है सामाजिक क्रिया की प्रमुख विशेषताओं में अगर हम देखें तो यह सामाजिक क्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी। हमने बताया कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया वही है जिसमें कोई कर्ता कोई कार्य करे और सामने से भी प्रतिक्रिया होकर के आए, तो वही क्रियाएं हमें सामाजिक क्रिया कहते हैं। दूसरा ये कि दूसरे व्यक्तियों के भूत भविष्य तथा वर्तमान से ये प्रभावित होती हैं, कि अगर आपने भूतकाल में किसी ने आपको जो है आपके परिवार के खिलाफ कुछ किया था तो आज जब आप उससे बदला लेने जाएंगे तो वह भी सामाजिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि भूतकाल में ऐसी कोई घटना घटी थी जिससे आज आपको वो काम करना पड़ रहा है। या भविष्य को सोच करके आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईएएस बनने के लिए आज अभी से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वह भी सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि आप वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, भविष्य में आने वाली जो चीजें हैं उसके लिए आज से तैयारी कर रहे हैं। या वर्तमान से भी प्रभावित होती हैं, कभी कभी आपके यहाँ तत्कालिक ऐसे कुछ कारण आ जाते हैं तो उनके लिए जो आप काम करते हैं वह भी सामाजिक क्रिया कहलाती है। अगला है अकेले या स्थूल वस्तु, यानी किसी जड़ वस्तु से, यानी आप दीवार पे अपना सर मारो तो वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी, या अकेले बैठ करके पूजा करो तो वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। तो अकेले या स्थूल वस्तु के साथ की गई क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं होती है। अगला है केवल व्यक्तियों का संपर्क नहीं संचार भी होना चाहिए, केवल हम आपसे मिले और देखे और चल दिए तो वो भी सामाजिक क्रिया नहीं है। हम आपसे मिले, आपसे बात करें और फिर बात करने की, भविष्य में मिलने की उम्मीद जगाए रखें तो वहां भी सामाजिक क्रिया है। अगला है कि क्रिया के लिए कोई ना कोई अभिप्रेरणा होनी चाहिए, यानी मोटिवेशन होना चाहिए, हम कुछ भी ऐसे कर दें तो वह सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए। और जैसे एक जैसी क्रियाएं करना भी सामाजिक क्रिया नहीं कहलाता है, यानी किसी को देख करके सब के सब हाथ हिला रहे हैं तो आप भी हाथ हिलाने लगे तो सामाजिक क्रिया वहां भी नहीं हुई। सामाजिक क्रिया में कम से कम दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है, बिना दो लोगों के सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बताया कि अकेले में सामाजिक क्रिया नहीं होती। अगला है कि कर्ता के लिए क्रिया का अर्थ होना चाहिए, यानी यह व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है उसके लिए कोई ना कोई मीनिंग होनी चाहिए, बिना मीनिंग के क्रिया नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगला है किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित होना चाहिए, यानी आपके द्वारा कोई भी जब क्रिया की जाए तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति भी उस क्रिया से प्रभावित हो जाए तभी वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी, यानी आपने कुछ किया और इसने भी उसका उत्तर दे दिया तो वहां पे सामाजिक क्रिया होगी। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को चार प्रकार से बांट करके देखते हैं। पहली क्रिया का नाम बताते हैं तार्किक सामाजिक क्रिया, जिसे कहते हैं ज्वेक एक्शन सोशल एक्शन, यानी ऐसी क्रिया जिसमें आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आपने ये लक्ष्य निर्धारित किया है मान लो, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे हैं और आप जो साधन यूज करें कि हम इन साधनों के माध्यम से अपना लक्ष्य पा जाएंगे कि नहीं, उसके हिसाब से जो क्रियाएं होती हैं तो वह तार्किक क्रिया कहलाती है। इसमें आपके लक्ष्य के लिए आपके साधनों का ध्यान होना जरूरी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई अधिकारी बनना है या प्रोफेसर बनना है तो उसकी आपकी योग्यता है कि नहीं, और आपकी योग्यता भी है तो आपके पास वो किताबें हैं कि नहीं, यानी लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रख के जो क्रियाएं की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, तार्किक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे सोच समझकर योजनाबद्ध एवं साधनों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रख के जो क्रियाएं करते हैं वो क्या कहलाती हैं, तार्किक सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा यह है मूल्यात्मक सामाजिक क्रियाएं। मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया का तात्पर्य यह है कि ऐसी क्रियाएं नैतिकता धार्मिक कलात्मक एवं आदर्शात्मक आधार पर की जाती हैं, यानी इसमें नैतिकता होती है, आपकी मॉरलिटी होती है कि आप जिस सोसाइटी में उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, और ये आदर्शात्मक आधार पर होती है, आइडियल होती है, तथा उनके पीछे तर्क होना आवश्यक नहीं होता। ये जो क्रियाएं की जाती हैं इनके पीछे कोई तर्क होना कोई जरूरी नहीं है, बिना तर्क के ये क्रियाएं संपन्न हो, जैसे इसमें हमने बताया तार्किक क्रियाओं में तर्क का होना जरूरी है। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे सती प्रथा, सती प्रथा में पति मर गया तो पत्नी को जबरदस्ती लिटा देते थे, कोई तर्क है क्या, नहीं है, लेकिन बस समाज में एक नियम बन गया तो फिर करते रहो। जौहर होता था, एक साथ हजारों हजार स्त्रियां जो है कूद करके आग में अपने आप को दाह संस्कार कर लेती थी, क्या था कि अपने आन बान और शान को बचाए रखना है, अपने जिस राज्य में है उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जैसे युद्ध में सैनिक होते हैं, अपने देश के लिए वो अपना बलिदान कर देते हैं, साथ में कभी कभी देखा होगा जब कोई जहाज डूब रहा होता है
तो उसका कप्तान अपने आप भी डूबने को पसंद करता है, क्योंकि जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो हम जी करके क्या करेंगे। और प्रश्न भी कभी कभी आया है कि जहाज में बैठा हुआ जो कप्तान होता है, जब जहाज डूबता है तो कप्तान का भी मर जाना कौन सी क्रिया है, तो मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया है। यह प्रश्न आया हुआ है। अगला है कि भावनात्मक सामाजिक क्रिया, तो ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति के भावनाओं के आधार पर होती है, जैसे व्यक्ति के जो संवेग होते हैं, प्रेम के कारण आप किसी से कुछ काम कर रहे हैं तो वो क्रिया कहलाएगी भावनात्मक क्रिया। ठीक है, तो सामाजिक क्रियाएं जिनका संबंध व्यक्ति के संवेगों तथा भावनाओं से होता है, जैसे क्रोध हो गया, प्रेम हो गई, घृणा हो गई, और इसके कारण कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कौन सी क्रिया कहलाती है, भावनात्मक क्रिया। अगला है परंपरागत सामाजिक क्रिया, यानी हमारे प्राचीन काल से जो सामाजिक क्रियाएं होती आ रही हैं उनको इस वर्ग के अंदर हम लोग रखते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं से होता है, यानी पहले कोई परंपरा चली आ रही हो, जैसे पैर छूने की परंपरा, बड़ों को देखते हैं तो हम लोग पैर छूते हैं, तो वो इन क्रियाओं में आती हैं। अगला है परंपराओं के आधार पर, जैसे दिवाली हम लोग मना रहे हैं, दिवाली में एक दूसरे के घर मिठाई लेके जाते हैं, है ना, तो आदतों आदि के कारण जो भी होता है वो क्या कहलाती है, परंपरागत सामाजिक क्रिया। और इसका एग्जाम्पल है बड़ों का अभिवादन करना, या प्रथाएं जो भी चली आ रही हैं उनके रूप में काम करना। तो इस प्रकार से मैक्स वीबर ने चार प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद।